नमस्कार दोस्तों, डेली जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग का आज का जो जीके है, ये विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी हुई है, इस रिपोर्ट पर हमको डिस्कस करना है। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, भारत की इस बार निवेश में क्या पोजीशन रही है, विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी की जाती है उस संस्थान के बारे में भी कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और 8 प्रश्नों को हमको डिस्कस करना है। पहला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है अंकटाट। अंकटाट के द्वारा ये जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के क्षेत्र में 2019 में भारत का विश्व में स्थान क्या है। 2019 की बात इसमें की गई है, जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है, क्योंकि 2020 तो अभी चल ही रहा है, तो 19 के बारे में ये 20 की रिपोर्ट है। इसमें जो भारत का स्थान है वो 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटाट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 42 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में कितना हो गया। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़कर कितना हो गया है। 2018 में ये 42 था और 2019 में इसमें 9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 51 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंकटाट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में कितने फीसदी कमी का अनुमान व्यक्त किया गया है। वैश्विक जो एफडीआई है उसके प्रवाह में कमी आई है और ये जो कमी आई है ये 40 फीसदी के बराबर है, 40% कमी का अनुमान इसमें व्यक्त किया गया है कि इतनी कमी इसमें होनी है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी, किस सन में की गई थी, ये पूछा जा रहा है, यानी अंकटाट की स्थापना का ईयर आपसे पूछा जा रहा है। ये 1964 में स्थापित हुआ था, यूएन के तहत ये कार्य करता है और एक अंतर सरकारी निकाय है। कैसा निकाय है? अंतर सरकारी निकाय है ये, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंकटाट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंकटाट का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंकटाट द्वारा जारी नहीं की जाती या प्रकाशित नहीं की जाती। अंकटाट बहुत सारी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, उनमें विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये अंकटाट के द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा ये और रिपोर्ट भी जारी करता है, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट इसमें हुई गई है, वस्तु एवं विकास रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट ये अंकटाट जारी करता है। और अंतिम प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो एफडीआई होता है, एफडीआई के बारे में बात हो रही है, यह घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी का प्रवेश कराता है, इससे होता है, बिल्कुल सही है। घरेलू अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकी का प्रवेश होता है, तो पूंजी भी आती है और प्रौद्योगिकी भी आती है। अगला है, रोजगार के अवसर घटते हैं। अब आप बताइए, जब पूंजी भी आएगी प्रौद्योगिकी भी आएगी तो यहाँ पर उद्योग लगेंगे, तो रोजगार के अवसर घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे, तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो रोजगार के अवसर घटते नहीं है बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहे, हमको टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको समय समय पर मटेरियल और इसका पीडीएफ आपको दिया जाता है। जो क्लासेस यहाँ पे हो जाती है उसका पीडीएफ आगे पीछे दे दिया जाता है। अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एक कोर्स मंडे से लॉन्च हो रहा है, उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। पीटी सियोर सीरीज है, upsctarget.com पर आप विजिट कीजिए और बीओ पीटी सियोर सीरीज में अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।
आपको सूचना दी जाएगी और शेड्यूल इसका आज ही कल में जारी करके आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो आप अगर पसंद करते हैं इस पोस्ट को तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें।